एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सीक्रेट हर्ब्स के जेल हेयर कलर का रिव्यू। तो यहाँ पर मैंने 3.60 बगंडी शेड चूज़ किया है। तो इसमें ये बहुत सारे हर्ब्स आपको मिल जाएंगे। आर्गन ऑयल है, आंवला है, बेजिल है, हिना है, भृंगराज है, टैमरिंड है, हिबिस्कस है एंड बहुत सारे हर्ब्स इसके अंदर है। तो इसमें ये बोला गया है कि ये बहुत ही नेचुरल तरीका है आपके हेयर को कलर करने का। ये जेल फॉर्म में तैयार होता है। तो इसके अंदर एज यू कैन सी यहाँ पर किन्युआ भी है, ऑलिव ऑयल भी है। तो ये मैंने 685 रुपीज़ का परचेज किया था। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट सब मेंशन की हुई है। बहुत सारी चीज़ों से ये फ्री है, लाइक ये एनिमल्स में टेस्टेड नहीं किया गया है, वीगन प्रोडक्ट है एंड इसमें कोई भी मिनरल ऑयल्स नहीं है, सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा बिकॉज इस तरीके के वीडियोज़ मैं अपलोड करती रहती हूँ, लाइक मेकअप रिव्यूज़, हॉल एंड ट्रैवल से रिलेटेड। तो मैं दिखा देती हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर एक ये पेयर ऑफ ग्लव्स आपको मिल जाता है। देन यहाँ पर ये शैम्पू की बॉटल है, 40 ml की शैम्पू की बॉटल मिल जाएगी। 40 ml को की आपको कंडीशनर की बॉटल इसमें मिल जाती है। देन यहाँ पर ये पाउडर फॉर्म में मिल जाते हैं। तो ये आपको 10-10 grams की ये बॉटल है जो आपको दो मिल जाते हैं, इसमें पाउडर रहता है। तो इसको आपको जेल के साथ में मिक्स करना होगा। तो यहाँ पर आपके पास ये जेल आती है साथ में इस तरीके से। ये 160 ml की बॉटल है। तो ये हेयर जेल मिलती है आपको। तो इसमें आपको पूरा दिखाया गया है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ों से फ्री है, बहुत सारी चीज़ों से, लाइक सल्फेट, पैराबीन्स, मिनरल ऑयल्स, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं है। तो इस तरीके का मेजरिंग कप भी आपको मिलता है, जैसे 40 ml का आपको मेजरिंग कप मिलता है, उसी हिसाब से आपको मेज़र करके ही इसका जो हेयर कलर जो है वो तैयार करना है। ये ब्रश मिल जाती है आपको जो कि अच्छी क्वालिटी की ब्रश है। देन यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर आप 5 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिक्स करते हो तो आपको 40 ml ऑफ जेल मिक्स करनी है उसके साथ में। तो आपको 10-10 ग्राम का यहाँ पर पाउडर का दो बॉटल मिली है एंड 160 ml की है। तो अकॉर्डिंगली उस तरीके से आपको मिक्स करना है। देन आपको इसको मिक्स करने के लिए कोई नॉन मेटलिक कोई भी चीज़ है उसमें ही मिक्स करना है। तो मेटल की चीज़ों में मिक्स नहीं करना है। इसको रखने की टाइमिंग जो है वो 35 मिनट्स, अगर आप समर में यूज़ कर रहे हैं तो 35 मिनट्स तक आपको यूज़ करना है, विंटर्स में आपको 45 मिनट्स यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे हेयर की जो कंडीशन है। तो यहाँ पर मेरे को ग्रे हेयर जो है वो रूट्स में है, तो उससे भी मेरे को टचअप करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही मैं जो प्रोडक्ट है उसको मिक्स करने वाली हूँ। तो चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 10 ग्राम का जो बॉटल है, तो ये पूरा मैं पाउडर जो है वो निकाल लूँगी बिकॉज मुझे पूरे अपने हेयर के रूट टचअप करनी है। तो आई थिंक ये पूरी बॉटल लग जाएगी, तो इसलिए मैं ये पूरी बॉटल इसमें खाली कर ले रही हूँ। एंड यहाँ पर 5 ग्राम में आपको 40 ml ये जेल मिक्स करनी है। तो यहाँ मैंने 10 ग्राम का पाउडर लिया है। तो यहाँ पर मैं 40 ml की दो दो बार मेजरिंग कप से नाप रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 80 ml जेल ली है। तो इसे बहुत ही अच्छी तरीके से 1 मिनट तक मिक्स करना है जब तक ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लम्स कोई भी रहने नहीं चाहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। तो ये तैयार हो चुका है। तो अगेन यहाँ पर मैं पूरी क्लियर लाइटिंग में आपको दिखा रही हूँ। तो रूट्स में जिस तरीके से ये हेयर है मेरे ग्रे हेयर, तो वहाँ पर मुझे इसे पूरा अप्लाई करना है। तो उसे ही कवर करके देखते हैं कि ये पूरी तरीके से कवर करता है कि नहीं। तो आफ्टर रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक ज़रूर से देखें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ रूट टचअप ही मैं करूँगी, पूरे बालों में नहीं करने वाली हूँ, ताकि मेरे जो एक्चुअल हेयर का शेड है उससे मिक्स हो जाए, एज यू कैन सी। तो चलिए इसे अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ ब्रश की हेल्प से ही मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ एंड इसे पूरा मैं अपने फ्रंट में, बैक में, सारी जगह अच्छी तरीके से लगा लूंगी। ये जो जेल हेयर कलर है तो ये ऐसे टपकता नहीं है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको स्टेन वगैरह लग जाता है लाइक फेस वगैरह में, तो तुरंत उसे क्लीन कर लीजिए, तो कोई दाग नहीं रहेगा। एंड मेक श्योर आप जो कपड़े हैं तो उसी अकॉर्डिंगली पहने, ताकि आपके कपड़ों में गिरे तो भी कोई कलर नहीं लगे। तो यहाँ पर मैं चारों तरफ अपने आगे और पीछे के बालों में, अंदर की तरफ रूट्स में ये लगा लूँगी। मैंने इसे अप्लाई कर लिया है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो जो जितना मैंने प्रोडक्ट मिक्स किया था, तो पूरा मेरे रूट्स में बहुत ही अच्छी तरीके से ये लग चुका है। तो ये दो बार मैं यूज़ कर सकती हूँ। इसे मैंने 40 मिनट्स तक लगा के रखा था। तो उसके बाद में मैंने शैम्पू कर लिया, जो शैम्पू उसके साथ में आई थी, वार्म वाटर से मैंने हेयर वॉश किया है, हल्के वार्म वाटर से। उसके बाद कंडीशनर अप्लाई कर लिया। तो ये है उसका रिजल्ट। तो जैसे मैंने बरगंडी शेड लिया था, तो जो ग्रे हेयर वो पूरे बरगंडी शेड में कन्वर्ट हो गए हैं,
कलर हो चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आपको ब्लैक शेड पसंद है तो आप ब्लैक ले सकते हैं, जिससे कि पूरे हेयर ब्लैक हो जाएंगे अच्छी तरीके से। तो रिजल्ट इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, पूरे मतलब जो ग्रे हेयर वो कवर हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।